क्या सवाल है? बिहार में बेचैनी उनको होगा जो लव कुश के वोट को अपना जागीर समझते हैं, मतलब आप समझ गए होंगे, लव कुश से वोट के आधार पर जिन्होंने 17 वर्षों तक राजनीति की, बिहार में 18 वर्ष तक, और वो लव कुश आज वो अपना समझ रहा है कि मुझे कहाँ जाना है। बहुत सारे नेता हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, पूरे बिहार के लव कुश समाज के साथ साथ दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा अल्पसंख्यक और स्वर्ण समाज के प्रबुद्ध लोगों को जी वो एकदम इकट्ठा कर रहे हैं कि सभी लोग इस बार आप देखिए और वो खौफनाक मंजर को नहीं आने दीजिए। कि जदयू अब जनाधार विहीन पार्टी हो गई है जी। और जनता दल यू के जो उसके शीर्षस्थ नेता लोग राजद के स्थान में नतमस्तक हो चुके हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में तमाम सियासी समीकरणों को एक साथ साधने की कोशिश भाजपा कर रही है। जहां एक तरफ लव कुश समीकरण को साधकर भाजपा ये दावा कर रही है कि ये समीकरण पूरी तरीके से नीतीश कुमार के हाथ से निकल गया है, वहीं कई दलों के साथ कई अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स भाजपा लगातार कर रही है। सीटों का समझौता भी लगातार खबरें आ रही हैं कि किन दलों के साथ हो रही है। लेकिन बिहार में कल दरभंगा में एक ऐसा घटना देखने को मिला जो कि राजनीतिक रूप से समय के साथ तारमतार में नहीं लगा। कल लगा जैसे कि चुनावी कैंपेन भाजपा ने शुरू कर दिया। एक तरफ उसी मंच पर सम्राट चौधरी नजर आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आरसीपी सिंह नजर आ रहे थे। दोनों का एक साथ एक जगह मौजूद रहना और कार्यकर्ताओं के बीच जाना, जनता के बीच जाकर डोर टू डोर कैंपेन करना, निश्चित तौर पर यह बताता है कि भाजपा ने चुनावी तैयारियों का बिगुल फूंक दिया है। 2024 की तैयारियां भाजपा ने शुरू कर दी हैं। लेकिन कल जो मंच बना था और मंच पर जो दो मुख्य चेहरे सामने नजर आ रहे थे वो लव कुश थे, जहाँ एक तरफ आरसीपी सिंह थे वहीं सम्राट चौधरी थे। तो सवाल खड़ा होता है कि क्या भाजपा अब अपने ही लव कुश समीकरण के तहत आगे बढ़ेगी? और अगर ऐसा भाजपा करती है तो क्या इससे बिहार में एक और पार्टी है जो कि लव कुश समीकरण पर काम करती है, जिस पार्टी ने कहीं ना कहीं इशारों में ये समझा दिया है कि वो किस तरफ जाने वाली है? तो क्या भाजपा में एक तरफ जहां सम्राट चौधरी और आरसीपी सिंह की मौजूदगी में उस समीकरण को साधा जा सकता है, वहीं क्या स्पेस उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी आरएलजेडी के लिए बचता है? इन सारी जो चर्चाओं में हमारे साथ मौजूद रहेंगे राम पुकार सिन्हा जी हैं, ये आरएलजेडी के प्रवक्ता हैं बिहार के, और बड़ा ही मुखर है सर आप। तो अब मुखरता से ये मुझे बताइए कि कल जो मंच था इसको देखकर थोड़ा तो बेचैनी आप लोगों को हुआ होगा? लोग सब भाजपा के पास है तो आपको क्यों लगे? अरे, बेचैनी का क्या सवाल है? बिहार में बेचैनी उनको होगा जो लव कुश के वोट को अपना जागीर समझते हैं, मतलब आप समझ गए होंगे, लव कुश से वोट के आधार पर जिन्होंने 17 वर्षों तक राजनीति की, बिहार में 18 वर्ष तक, और वो लव कुश आज वो अपना समझ रहा है कि मुझे कहाँ जाना है। इस परिस्थिति में बहुत सारे नेता हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, पूरे बिहार के लव कुश समाज के साथ साथ दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज के प्रबुद्ध लोगों को जी वो एकदम इकट्ठा कर रहे हैं कि सभी लोग इस बार आप देखिए और वो खौफनाक मंजर को नहीं आने दीजिए। इसके लिए हमारे नेता कैंपेन कर रहे हैं, सब जगह दौरा कर रहे हैं। वहाँ राजगीर में जो आपने कैंपेन किया था, मंच से कई लोगों ने बातें कही थी, एक खास बात मुझे याद आती है कि इस बार लव कुश को टूटने नहीं देना है। चाचा का लड़का, फूफा का लड़का, मौसा का लड़का नहीं चलेगा, बिल्कुल अपना लड़का चलेगा, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये चाचा का लड़का, फूफा का लड़का उपेंद्र कुशवाहा और माफ कीजिएगा सम्राट चौधरी और आरसीपी सिंह तो नहीं ना? देखिए, हर पार्टी चाहती है कि हर जात समाज का वोट हमारे खेमे में आवे, लेकिन जब वो परिस्थिति आती है होगा, और हम लोग लगे हुए हैं कि राष्ट्रीय लोक जनता दल, जनता दल यू का एक विकल्प के रूप में हम लोग आ रहे हैं, और हमारे नेता बताते भी हैं कि वो समता पार्टी के काल के समय के जो संघर्ष के साथी थे वे सभी लोग राष्ट्रीय लोक जनता दल में आ रहे हैं। और राष्ट्रीय लोक जनता दल मुक्ता लव कुश समाज के आधारित पार्टी है, जिसमें अन्य समाज के लोग भी भरपूर मात्रा में हैं। महादलित समाज के लोग हमारे पार्टी में प्रदेश में विभिन्न पदाधिकारी पर हैं, राष्ट्रीय कमेटी में हैं, हमारे अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, दलित महादलित समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, प्रबुद्ध स्वर्ण समाज के लोग हैं, सभी लोग हैं। लेकिन सभी लोग एक साथ मिलकर को जदयू का जो
मोटो था, लक्ष्य था, वो भटक गया है जदयू में, वो तमाम लोग अभी राष्ट्रीय लोक जनता दल के साथ आ रहे हैं। बड़ा स्मार्टली आप लोग जदयू के संगठन को धीरे धीरे तोड़ रहे हैं, एक एक ईंटा खसका के नीतीश कुमार का अपना धीरे से बिल्डिंग बना रहे हैं, सब दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपका जो लक्ष्य है कि कैसे भी जदयू से एक बड़ी पार्टी बिहार में बन जाना है लवकुश की, आप बाकी समीकरण तो जुड़ ही रहे हैं, लेकिन मुख्य आपका लक्ष्य जदयू को समाप्त करना दिख रहा है, चाहे संगठन के आधार पर हो। देखिए वहाँ संगठन बना, आपने संगठन की इकाइयाँ बनाना शुरू कर दी, आप छोटी छोटी इकाइयों तक पहुंच गए हैं और वहाँ भी संगठन ही बन रहा है। देख रहे हैं लगातार जिला में जा रहे हैं आपके नेता, तो जदयू के कभी 50 लोग इधर 200 लोग उधर जोड़ते जा रहे हैं हर जिला में। देखिए जदयू अब जनाधार विहीन पार्टी हो गई है जी, और जनता दल यू के जो उसके शीर्षस्थ नेता लोग हैं राजद के स्थान में नतमस्तक हो चुके हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, मैं इस तरह आपके चैनल में नहीं बतला रहा हूं, मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि जनता दल यू महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश सचिव गया के क्षेत्र संख्या 8 के जिला पार्षद करिश्मा सिंह, उस व्यक्ति को एक सम्मानित पद पर है, जिला पार्षद है, पंचायती राज व्यवस्था से चुने हुए प्रतिनिधि है, और उस महिला व्यक्ति को महागठबंधन के राजद कोटे के मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव जितना अमर्यादित शब्द का प्रयोग किए हैं, एक राजद महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव को, मैं पूछता हूं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को, जनता दल यू के प्रदेश के प्रवक्ताओं से, जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी से, मैं पूछता हूं जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन राजीव रंजन सिंह ललन बाबू से कि आप लोग उस महिला को न्याय दिलाने में क्यों नतमस्तक हो गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से कि आपके पार्टी के वो महिला है और उसको इतना बड़ा अपमानजनक शब्द बोला जाता है और आप लोग मौन साधे हुए हैं, तो स्वाभाविक है कार्यकर्ता को जब हाथ पहुंचेगा तो अपना कहीं ना कहीं किनारा खोजेगा, और उनका असली घर राष्ट्रीय लोक जनता दल है जो सभी लोग कह रहे हैं जो आप मुझे बता रहे हैं। देखिए लगभग बिहार के सभी सियासी दल जो हैं जिस गठबंधन में हो अपने लिए सीटों की डिमांड्स रखना शुरू उन्होंने कर दिया है। अब इसे प्रेशर पॉलिटिक्स बोलिए या वक्त से पहले अपने रास्ता निकालना, मांझी जी ने कह दिया है, बाकी कांग्रेस बोल रही है, आप लोग कब बोलिएगा? देखिए समय आएगा हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी आप लोगों को बुलाएंगे और बताएंगे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता को खौफनाक मंजर की ओर नहीं जाने देंगे। खौफनाक मंजर का वो दृश्य था जो आज उसके सामने नीतीश कुमार जी, जो खफनाक मंजर से बिहार को निकाला गया था और जिस किश्ती को निकालकर नीतीश जी के हाथों सौंपा गया था, उस किश्ती को पुनः उसी तूफान में नीतीश जी सौंप रहे हैं। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी इस दृश्य को नहीं आने देंगे बिहार की धरती पर, और देश की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा जी मील के पत्थर हैं, एक समाजवाद लोकतंत्र धर्म निरपेक्षता वाले सैद्धांतिक है। आपकी बात मैं समझ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि उस दौर में नहीं जाने देना है तथाकथित जो जंगल राज था, ठीक है मैं समझ गया आपका, उन्होंने ये बयान भी दिया था और बयान देकर ही वो बाहर आए थे, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि यही उपेंद्र कुशवाहा हैं जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे थे, उनके लिए जहर तक पीने के लिए तैयार थे, पूरा खीर बनाकर प्रतियोगिता इन्होंने की थी कि सब खीर बनाएंगे और सबको जोड़ेंगे, ये सारी बातें उन्होंने की थी तेजस्वी यादव और लालू यादव के लिए, उस गठबंधन में वो थे, और अब जब गठबंधन से अलग हट गए, अब नीतीश कुमार से भी अलग हट गए, तो आपको कुछ तो बोलना है, तो बोलने के लिए कह दिया। नहीं नहीं उस तरफ नहीं जान देंगे। मैं आपको बतला दूं, आप तो उधर ही थे। मैं बतला दूं कि तेजस्वी यादव जी को वो खीर और सियासत वाली जो बात बतला रहे हैं शायद वो नसीब में नहीं लिखा था तेजस्वी यादव जी को जी। और उपेंद्र कुशवाहा जी विवेकशील इंसान हैं और समझ रहे थे कि वो मंजर परिस्थिति जो आई तब उनके साथ कहे कि नहीं इस व्यक्ति के हाथों में जब बिहार जाएगा तो बिहार कलंकित हो जाएगा। नहीं एक और नैरेटिव है कि त्रिवेणी संघ बना था, उस संघ में कहीं ना कहीं ये तय किया गया था कि सवर्णों को रोकना है, ठीक है, और उसमें लव कुश और यादव समाज के लोग जुड़े थे, सबको मौका मिल गया, निश्चित तौर पर कुशवाहा समाज को मौका नहीं मिला। ये कैसे देख रहे हैं? अब तो कहीं ना कहीं आप जिन पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे आगे चल के तो दिख रहा है साहब, देखिए वो तो सवर्णों की वाली पार्टी कही जाती है। देखिए आप जो बोले कि सवर्णों को रोकना है,
ये मामले में थोड़ा हम हस्तक्षेप करना चाहते हैं, क्योंकि विगत राजनीति में जो बिहार के दौर था मुख्यमंत्री काल का, उसमें स्वर्ण समाज के लोग बहुत प्रतिनिधित्व किए थे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन पिछड़ा पावे सौ में साठ एक नारा चला था। तो उस परिस्थिति में पिछड़ा समाज के जो तीन प्रखर जातियां रहे, जादव समाज, कुशवाहा समाज और कुर्मी समाज, उसमें जादव समाज का प्रतिनिधित्व हो गया, कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व हो गया, तो कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व बनता जो त्रिवेणी संघ बना था। आपने मुद्दा अच्छा उठाया है, वोट भी बड़ा है, बड़ा है, तो उस परिस्थिति में अपना हक मानता है। हम लोगों की समाज ने नीतीश कुमार जी को, कुर्मी समाज जी को 18 साल तक गद्दी पर बैठाया, तो हक तो हमारा बनता है कि नहीं बनता है। मैं बिहार की जनता से भी पूछना चाहता हूं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन आज नीतीश जी कहां ले जाकर रख रहे हैं, तो सर्वविदित है कि उनके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, बोल रहे हैं, लेकिन उस महा ठगबंधन उसको हम बोल सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि नीतीश जी को सब झांसे में लाकर उनके राजनीतिक हैसियत को मिटाने का एक योजना है, प्लान है, और नीतीश जी को समझ में आएगा। अभी तो चंगू मंगू के बीच घिरे हुए हैं, और वो चंगू मंगू भी पूरा एकदम दूसरे दूसरे दलों से, माने वो कहां इशारा जा रहे हैं वो नीतीश जी को मालूम हो जाएगा। शोषित और शोषक वाला जो नैरेटिव आपने बदल दिया है, खुलकर बोल क्यों नहीं रहे हैं आप लोग कि कौन शोषित है, कौन शोषक है, किसने शोषण किया? देखिए अब की जो परिस्थिति है, किसी का हक कौन मार रहा है? नहीं, अब तो परिस्थिति है, उस दौर का जो परिस्थिति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बताए हैं, उस समय जो लोग थे, लेकिन आज हम ही लोगों के समाज से कुछ ज्यादा शोषण करने वाले लोग होंगे जो एक परिवार तक सिमट के राजनीति को रख दिया है जी। तो उस परिस्थिति के खिलाफ हम लोगों की लड़ाई लड़नी है। आज की परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है, उस परिस्थिति में कोई भी बेटा, गरीब का बेटा भी एक अच्छा पद पर जाने वाला होना चाहिए, ये मांग हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का। आप कोलोजियम का विरोध करते हैं, आप धार्मिक स्तर पर जिस तरीके से पोलराइजेशन होता है उसका विरोध आप लगातार करते आए हैं, अब सेंट्रल विस्टा पर सारी पार्टियां एक तरफ हैं, नया संसद बना है, मनोज झा कल ही कह रहे थे कि राष्ट्रपति का यह विशेषाधिकार है, इसमें नरेंद्र मोदी जी हनन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इतिहास में लिखाना चाहते हैं कि हम लोगों ने विरोध किया था, तो सभी विपक्षी दल उस तरफ जा रहे हैं, आप काहे नहीं जा रहे हैं? देखिए राजद के प्रवक्ता है मनोज झा जी, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं हम लोग तो देखते रहते हैं, उनको हमको लगता है कि उनको थोड़ा अध्ययन करके कहीं कोई बातें रखनी चाहिए। हम हमारा भारत एक सांस्कृतिक देश है, हमारा भारत में सभी सर्वधर्म सर्वभाव के लोग हैं, लेकिन वो किस तरह कब क्या बोल देते हैं ये तो पूरा देश और बिहार के लोग जानता है मनोज झा जी की पूरी। आपके नेता कह रहे हैं कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष नहीं जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण क्यों है? विपक्ष को बुलाना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को कि विपक्ष नहीं गया इस वजह से? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे नेता जो बोलते हैं तार्किक बात ही बोलते हैं, और देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आधार पर बोलते हैं जी। हमारे नेता संविधान से अलग कहीं कोई बात नहीं बोलते हैं। कॉलेजियम सिस्टम की जो आपने मुद्दा उठाया है, वाकई में कॉलेजियम सिस्टम में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कुछ चिन्हित परिवार ही हैं, उन्हीं के परिवार लोग जजेज बनते हैं जी। तो ये तो मामला बनता है कि आज स्वर्ण समाज के लोग हो या दलित महादलित समाज के लोग, उसके घर का बेटा को भी जज बनना चाहिए, ये मिलना चाहिए। लेकिन आज कोई गरीब ब्राह्मण परिवार का लड़का अगर चाहे कि हम जज बन जाए, तो कॉलेजियम सिस्टम में संभव नहीं है जी। तो उस परिस्थिति में हमारे नेता जो आवाज बुलंद करते हैं, हम लोग उनके साथ। भाजपा ने तो अपनी तैयारियां शुरू कर दी, नीतीश कुमार भी देश भर में घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री बन, माने एक प्रोजेक्ट तो बन गया है उनका, आपकी तैयारियां क्या है चुनाव को लेकर? हमारी तैयारियां पूरे बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर संगठन की मजबूती से हम लोग धारदार बना रहे हैं, पूरे जिले में, पूरे प्रखंड में और पूरे पंचायत स्तर पर बिहार के 38 जिलों में हम लोग संगठन को धारदार बना रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब हमारी पार्टी जिससे गठबंधन हो, जब हमारा संगठन मजबूत रहेगा तो गठबंधन भी मजबूत रहेगा, और चुनाव जीतने में संगठन के आधार पर ही कोई चुनाव जीता जा सकता है। इसलिए संगठन मजबूत रहेगा तो चुनाव जीतना तो बहुत छोटी सी बात है, इसलिए गठबंधन को, हमारी गठबंधन की राजनीति जब होगी, उस गठबंधन को मजबूती करने के लिए जब हमारे राष्ट्रपति जी घोषणा करें वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले हमारा संगठन मजबूत हो, पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर से लेके पंचायत स्तर से लेके प्रखंड स्तर से लेके जिला स्तर तक हम लोग पूरा संगठन को मजबूती के लिए पूरा दिन रात जुटे हुए हैं, और आने वाला समय भी आपको बताएगा जी। तो राम प्रकाश सिन्हा जी थे, इन्होंने स्पष्टता से, साफगोई से अपनी बातें रखी, एक एक सवाल का जवाब दिया। निश्चित तौर पर आप भी इनसे सवाल पूछ सकते हैं कमेंट में आकर, और ये जो
चर्चा लगातार हमने शुरू की है। इस चर्चा को कमेंट सेक्शन में हम आगे जारी रख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।